नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज की जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ बहुत ही छोटा सा उपाय है, और ये उपाय अगर आप कर लेते हैं या आपके घर के सभी सदस्य सारे मेंबर्स कर लेते हैं, जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, पूरा परिवार पैसों में खेलेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं अधिकतर मैंने आप लोग को बताया कि शुक्र, राहु, केतु और साथ में बुध, मैं इनको आप लोगों को ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि इनको आप मजबूत करें, क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। और मैं इन्हीं के वीडियो ज्यादा आपको जानकारी देता हूं कि ये ग्रह अगर आपके मजबूत हो जाते हैं तो आपके जिंदगी में पैसों की कमी नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों आज का जो मैं उपाय बता रहा हूं इसके द्वारा आपको एक नहीं 3 से 4 लाभ प्राप्त होंगे। एक तो आपको सौंदर्य बढ़ेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साथ में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहने वाली है, पैसों में खेलोगे आप। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी होटलों में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सौंफ और साथ में चीनी, सौंफ में एक कवर लगा होता है, चीनी का कवर लगा होता है, एक कवर रहता है उसमें। तो जब खाना खाके जब आप होटल से निकलते हैं तो होटल के जब आप बिल पे करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि सौंफ के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है ना। तो ये जो होता है ये होटल के मालिक को पता है कि नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो रखता है। काफी लोगों को पता होता है और काफी लोगों को नहीं पता होता है कि खाना खाने के बाद जब सौंफ खाई जाती है जो कवर में लगी होती है और या किसी को खिलाई जाती है तो इससे धन की बरकत होती है। ये जो है काफी लोगों को पता होता है, आपने देखा होगा कि काफी लोग व्यापार में रखते हैं और काफी लोग नहीं भी रखते हैं। काफी लोगों को पता होता है तो पता होने के कारण रखते हैं, किसे शुक्र मजबूत होगा और उनका व्यापार और बिजनेस और आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। लेकिन काफी लोग सिर्फ देख करके रख लेते हैं। तो बात यह हो जाती है कि आग में हाथ जान बूझ करके डालो या फिर अनजाने में डालो, है कि नहीं, कि मतलब होना तो वही है जो होता है। तो ऐसे ही मतलब कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, इनको पता होता है तो करते हैं और किसी को नहीं पता होता है तो भी करते हैं। तो ये जो उपाय है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2 से 3 उपाय आपको बताऊंगा आज। चीनी जो होती है शुक्र का कारक होती है, शुक्र को मजबूत करती है। कोई भी अच्छा काम आप करने जाएंगे तो आपने देखा होगा कि मुंह मीठा कराओ, और मुंह मीठा कराने में सबसे पहले बात आएगी तो मुंह मीठे करने के लिए सबसे पहले चीनी ही होती है, हर चीज में चीनी डली होती है ना। तो आप लोग घर में एक काम जरूर करें, घर में हमेशा ये जो चीनी में जो वर्क चढ़ा होता है, ये वाला जो सौंफ का जो चीनी में वर्क चढ़ा हुआ आता है मार्केट में आराम से मिल जाएगा, ये हमेशा घर में रखें, शुक्रवार के दिन से ही रखें। शुक्रवार के दिन लेकर के आएं और अपने घर में उत्तर दिशा में रख दें, और जब भी खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में घर के हर सदस्य को इसको खाना है। आप अगर ये नहीं ला पा रहे हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं कि सौंफ और चीनी इन दोनों को आप क्या करें, मिक्स करके रख लें और खाना खाने के बाद हर शुक्रवार को ये खाना शुरू कर दें। शुक्रवार से शुरू करें और फिर डेली कंटिन्यू शुरू करें, इसको खाना शुरू करें। ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा जो बता रहा हूं, अगर आपके घर के सदस्य में कोई ऐसा मेंबर्स है जिसमें मतलब कि प्रेम संबंध मजबूत नहीं है, घर के सभी सदस्य बिखरे हैं, घर के सभी सदस्यों में कलह वगैरह मचा रहता है, प्यार नहीं है, सभी सदस्यों में प्यार नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा 1 चम्मच सौंफ शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात्रि में करना है इस प्रयोग को, ठीक है। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच चीनी एक सफेद कागज में इसको बांध करके अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाए। हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा सौंफ से वशीकरण भी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये रख करके और सुबह अपना जो भी मेंबर्स इस प्रयोग को कर रहा है तकिए के नीचे रख लेगा सुबह में उठ करके, और खाने में इसको पीस करके या शरबत बना ले इसका और सभी मेंबर्स को पिला दे, सभी के बीच में प्रेम संबंध मजबूत हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत चिड़चिड़ापन रहता है घर में, अच्छे से बात नहीं करता है, सबसे कटा कटा रहता है, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तो माता या पिता, और माता पिता दोनों ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। शुक्रवार को क्या करें, अगर बच्चा गलत संगति में पड़ रहा है, माता पिता की बात नहीं मान रहा है, माता पिता से बदतमीजी करता है, कोई भी कहो तो बात सुनता नहीं है, तो उसके लिए इस प्रयोग को जरूर करें शुक्रवार के दिन। 1 चम्मच सौंफ ले लें और 1 चम्मच चीनी ले लें,
एक सफेद कागज में बांध करके तकिए के नीचे रात भर रखे रहने दें, और दूसरे दिन किसी भी खाने में पीने में थोड़ा सा, अगर पूरा एक साथ नहीं कर पा रहे तो थोड़ा थोड़ा करके खिला दें, लेकिन बच्चों को खिलाएं। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होगा और बच्चा आपके अनुकूल व्यवहार करने लगेगा। अगर गलत संगति में है तो गलत संगति से छूट जाएगा, ठीक है। इससे दोस्तों और एक चीज और आप कर सकते हैं, ये जो लास्ट वाला जो प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग आप करेंगे तो आपको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, पैसों के ढेर में बैठ जाओगे। कुछ शुक्रवार ही करेंगे आप, तो पैसों की कमी, अगर तंगी चल रही है, आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही है, तो कुछ ही शुक्रवार करेंगे आप, 2 से 3 शुक्रवार करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पैसों का प्रभाव बढ़ने लगा है। मैंने काफी वीडियो में शुक्र के मजबूत करने के उपाय बताए हुए हैं, राहु को मजबूत करने के उपाय बताए हुए हैं, बुध को मजबूत करने के उपाय बताए हुए हैं। अगर आपके साथ में ऐसी कोई समस्या है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस प्रयोग को जरूर आजमाएं। और चैनल पर चेकआउट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो मैंने बनाए हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए, बहुत ही आसान आसान से, छोटी छोटी सी रेमेडी से दोस्तों बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो 1 चम्मच क्या करना है आपको, घर का हर सदस्य करे इस उपाय को, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा सब कर सकते हैं, और हर शुक्रवार को करें दोस्तों इस उपाय को। तो 1 चम्मच लेने आप सौंफ, सौंफ छोटी बड़ी कोई सी भी चलेगी, और 1 चम्मच ले लें चीनी, ठीक है। अब इसको क्या करें, शुक्रवार के दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, रात्रि में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आप क्या करें कि 1 चम्मच सीधे हाथ में ले लें सौंफ, और 1 चम्मच ले लें चीनी, और अपने पूरे शरीर से क्लॉकवाइज 7 बार उबार लें, 7 बार उबार लें। अब इसको अपने घर के उत्तर दिशा में, अगर आपके उत्तर दिशा में कोई गार्डन है या कोई गमला है या कोई क्यारी वगैरह है तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा ये। अगर जिसके घर में फ्लैट है, अगर नहीं कर, काफी लोग फिर कमेंट्स करते हैं कि हमारे घर में तो फ्लैट है हम नहीं कर सकते हैं, तो उत्तर दिशा में आप फेंक दें। लेकिन अगर वहां पर आप कुछ जमीन अगर वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, अगर मिट्टी में डालते हैं आप इन चीजों को और जब वो उगेगी उसमें, तो ये और भी जबरदस्त रिजल्ट देता है। अगर नहीं ऐसी कोई व्यवस्था तो आप उत्तर दिशा में फेंक दें, हर शुक्रवार को फेंका करें। और अगर मिट्टी वगैरह हो, गमला वगैरह हो, ऐसा कुछ रख दें या कुछ पेड़ पौधा हो वहां पर अगर आप इसको फेंकते हैं या उसको रखते हैं, तो उससे क्या होगा, अंकुरित होगी, और जब अंकुरित होगी तो ये और भी अच्छा रिजल्ट देती है। और जैसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है फिर इसके अलावा, उत्तर के समय फेंक भी सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और, कि जो मैंने बताया कि जो सौंफ जो कवर वाली जो होती है, व्हाइट कलर की कवर वाली जो आती है सौंफ मीठी वाली, इसको अपने घर में जरूर रखें, और हर शुक्रवार से शुरू करके खाना खाने के बाद में इसको खाना शुरू कर दें। और आपका यदि कोई व्यापार बिजनेस वगैरह है तो वहां पर इन चीजों को जरूर रखें, क्योंकि जो आपके कस्टमर्स आते हैं, जो आपके ग्राहक आते हैं, जब खाना खाने के बाद में आपके व्यापार बिजनेस में जो खाना खाते हैं और वहां से जब सौंफ खाकर ये निकलते हैं, तो आपका शुक्र जो है ये और अच्छा फल देना शुरू कर देता है, आपके व्यापार में बिजनेस में ग्रोथ बढ़ा देता है, आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का प्रवाह बढ़ा देता है। और यदि व्यापार बिजनेस नहीं है तो आप घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, घर में रखें, अपने घर के हर सदस्य की तरक्की होगी, हर सदस्य की चौतरफा विकास होगा, कोई भी परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। अगर जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, कोई दूसरे ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो उससे क्या इनसे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, और शुक्र मजबूत होगा तो धन का प्रवाह अपने आप ही बढ़ जाएगा। मैंने काफी वीडियो में शुक्र को मजबूत करने के उपाय बताए हैं, आप चैनल में चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में किसी को भी अगर कोई आपको नंबर देता है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब फ्रॉड लोग होते हैं, और रुद्र मेडिटेशन की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, और मैं कमेंट बॉक्स में किसी को भी अपना नंबर नहीं देता हूं, ठीक है। तो कि नीचे दिए गए किसी भी कमेंट बॉक्स में अगर कोई नंबर देता है आपको कि ये गुरुजी का नंबर है या मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, तो इनके बिल्कुल चक्कर में ना पड़े और किसी से भी कोई कॉन्टेक्ट ना करें, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।